एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिता यू लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो सरप्राइज, मैं तो सरप्राइज रह गई, तो मैं सोची कि आप सभी को भी मैं सरप्राइज ही दूँ। सो इसीलिए मैं आ गई हूँ। मैं पहले आप सभी से बात कर लूँ थोड़ा, उसके बाद में शुरू करेंगे व्लॉग। क्या है, क्या नहीं है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी से ही आप सभी के मन में होगा ना, तो उसको आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी जान पाएंगे कि क्या सरप्राइज है। तो सरप्राइज को देखने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे लिंक को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने फ्रेंड फैमिली, अपने घर में जो लोग, जो औरतें हों, जो फ्रेंड हो, जो दीदी हों, उन सभी को, और जो लोग व्लॉग देखना पसंद करें या फिर ब्यूटी से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो वो लोग भी, क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें आते हैं वो जो है ना वो फ़ायदा करता है तभी मैं शेयर करती हूँ, ऐसे तो करती नहीं हूँ। तो चलिए, जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास में जल्दी से और आसानी से चला जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी का सीन ये है कि बाबू सो चुका है, उधर बाहर में है, पापा जी काम कर रहे हैं। वो ना पापा जी जो मेरे हैं वो बैठे नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो वही वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं बाहर, क्योंकि आवाज़ खटपट खटपट आ रहा है। आज जो है, आज मिस्त्री नहीं आया है, हो सकता है कि कल आएंगे मिस्त्री लोग, तो वो सब भी मैं शेयर करूंगी धीरे धीरे आप सभी के साथ में, क्योंकि शेयर करने का आदत हो गया है ना, तो एक दिन भी अगर गैपिंग जा रहा है वीडियो तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। दूसरी चीज़ कि आप लोग मुझ पर इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग, उन्हें दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। आप सभी को कितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम पड़ेगा, बट मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद आप सभी को जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए उस सरप्राइज को देखिए आगे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब आप सरप्राइज देखेंगे तब, और सरप्राइज तभी देख पाएंगे जब वीडियो को शुरू से लेकर के ये देखिए। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो चैनल वाले को आज कुछ पता नहीं लगने दूंगा। फिलहाल ये है बाबू, इसको कल वैक्सीन पड़ा था, 3 वैक्सीन एक साथ में पड़ा था, इसलिए थोड़ा सा इसको फीवर हुआ था, रात में बहुत परेशान भी किया था, और अभी भी हल्का हल्का बुखार है, तो थोड़ा सुस्ती छाया हुआ है इसके ऊपर में। टाइम पास कर रहा है फिलहाल, वीडियो देखे। क्या कर रहे हो बेटा? आयु इधर देखो तो, क्या कर रहे हो इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ देख रहे हो ना? ओके, कुछ देखो। तो ये है, अभी बिखरा भी दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसको फीवर है इसलिए थोड़ा काफ़ी परेशान सब कोई थे, अभी तो ठीक है, नहीं तो बहुत रोते रोते बुरा हाल हुआ था इसका, परेशान भी कर रखा था सब किसी को। तो अभी मैं दिखाता हूँ हर्षिता आयु लाइफ स्टाइल के ऑनर, चैनल के ऑनर को, कि वो कर क्या रही है। अभी से ही काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं है होली का, तो सफाई घर में शुरू हो चुका है, जो घर में झाड़ने वाले लगे हुए हैं या फिर और सब कुछ, तो इधर तो सफाई हुआ है, ये सारा सफाई हुआ है। अभी बहुत सारे जाले इसमें लगे हुए थे, अभी थोड़े थोड़े से और भी हैं, तो वो भी धीरे धीरे होंगे। मैं अभी लेके चलता हूँ, इधर सारा हो चुका है, तो फिलहाल लेके चलता हूँ कि क्या कर रही हैं। तो चलिए अभी साथ में धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ इस रूम में। ये देखिए, कोई है क्या इस रूम में? क्या कर रहे हो तुम? और ये अच्छा, होली का सफाई, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तुम्हारा। हाँ, साफ तो दिख रहा है, ढक क्यों नहीं लिया दुपट्टा से पूरा? वैसे मैं और समझ नहीं आता, बंदा भी लग रहा है। ये सॉरी, ये हम लोगों का टीवी वाला रूम, ये भी सफाई, ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है इधर, और इधर एक छोटा सा बेड है बैठ के टीवी देखने के लिए, इधर ये ट्रंक रखा हुआ है जिसपे कुछ सामान पड़े हुए हैं। तो अभी सफाई हो रहा है,
ये बाहर का भी ये जो बाहर घर बन रहा था अभी कुछ काम बाकी है इसमें तो ये पूरा क्लियर हुआ नहीं है। ये रहा सफाई का काम, ये कुछ लोहे का सामान है जो कि रखा हुआ है उधर खिड़की उड़की में कहें शायद, तो ये बाद में अभी कभी लगेगा। सफाई करो तब तक मैं बाहर दिखाता हूँ। ये कुछ काम इधर हुआ है, बाकी भी है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। इधर ये गाड़ी धूप में ही खड़ी रहती है इसलिए इसके लिए ये बना हुआ है, तो पूरा क्लियर हुआ नहीं है, थोड़ा सा काम बचा है। ये सब अभी हटाना है इसको, फिर इसमें मिट्टी भराएगा कुछ, मिट्टी डलने के बाद में ये भी ऐसा ही ईट रख के इसमें थोड़ा सा इसको क्लीन किया जाएगा। तब तक के लिए बेचारी गाड़ी धूप में पड़ी हुई है। ये हमारा घर बाहर से ऐसे दिखता है, बाहर से भी थोड़ी सफाई करने पड़ेगी, रिझाले वाले दिख रहे हैं अभी। और ये मेरी बाइक है, सफाई होने के बाद सही जगह पे जाएगी। छोटका तो ये है, ये सीढ़ी वाला रूम है, इधर टॉयलेट बाथरूम है, इधर इधर चापाकल है और इधर ही नलका लगा हुआ है। बाकी ये है आपका किचन जो कि अभी फिनिशिंग का काम बाकी है, ये भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हो। यहाँ पे टाइल्स लगना बाकी है, बाकी सारा फिनिशिंग तो हो चुका है। ये रहा फ्रिज जिसमें कि सामान थोड़ा बड़ा रखा रहता है, शायद लाइट नहीं है तो अभी इन्वर्टर से नहीं, लाइट तो है पर कहाँ गया। अच्छा यहाँ से ऑफ किया हुआ है। और फिर अभी देखिए खाना क्या क्या बना है, ये भी मैं दिखा ही देता हूँ। इसमें शायद अभी दूध, इसमें दूध पड़ा हुआ है उबलना बाकी है। इसमें चावल होगा, इसमें दाल रखा हुआ है, इधर सब्जी, सब्जी तैयार है, और ये आलू का चोखा वाला है। और ये सारे नीचे बर्तन पड़े हुए हैं, ये सारा सामान पड़ा हुआ है। बस ये रहा किचन का व्यू, और मैं लेके चलता हूँ, एक रूम इधर भी है तो ये भी, ये इधर से फिर रोड दिखता है और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे गांव के खेत वेत। इसमें जाली लगा हुआ है तो थोड़ा सा फ्रेश नहीं आ रहा है। होम टूरिंग का कुछ वीडियो बनेगा, होम टूर का पूरा स्पेशल कोई वीडियो बनाएगी, हो सकता है डालेगी, तो तब आप देखिएगा। फिलहाल दो सेकेंड के लिए आपको लेके चलता हूँ छत पे और दिखाता हूँ। देखिए कुछ सामान इधर पड़ा हुआ है, वो जो लोहे के कुछ पड़े हुए थे ना उस रूम में, फर्स्ट वाले रूम में, तो इसी में ये जो है इसमें डलने के लिए, इसमें शीशा वैसा बाद में लगेंगे, तो ये इसका फ्रेम बन के तैयार है। धीरे धीरे काम हो रहा है। ये हमारे छत का है, तो पूरा वैसे खाली है, एक कमरा बना हुआ है जो कि भगवान के लिए है, और ये सीढ़ी वाला रूम हो गया। इसमें देखिए क्या हो रहा है चुपके से, इसमें हो रहा था अभी पूजा, इसलिए मुझे वापस आना पड़ रहा, माता जी उधर पूजा कर रही हैं। तो ये रहा आज का चुपके चुपके ब्लॉग। फिलहाल ये वीडियो आपके पास जाए और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा,
शेयर अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड में ज़रूर करिएगा। और पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो प्रेस करने के बाद आपके पास सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वीडियो कब अपलोड हुआ। तो बस आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बेटा जी, बाबू इधर देखो, तुम्हारा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ क्या? अभी कुछ खाओगे? कुछ खाओगे क्या? कुछ खाओगे? इसकी तबीयत हो गई है ख़राब कल के वैक्सीन के वजह से, तो थोड़ा सा ये सुस्त हो ही गया है। अभी ठीक रहता तो बेचारा बोलता रहता, काफ़ी इतना ज़्यादा बोलता है कि इसके पास बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बोलता रहता है। कितना सफाई करोगे? जाओ नहा लो, टाइम हो गया है, नहा के खाना वाला खाओ। चलो ठीक है फिर। ठीक है, मैं अब वीडियो को करता हूँ पॉज, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सफाई होने के बाद सही जगह पे जाएगी। छोटका तो सो गाइज, आप सभी को पता चला कि क्या सरप्राइज मैं बोल रही थी? सरप्राइज यही था कि मेरे हस्बैंड ने आज पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो शूट किया, और पूरा वॉइस ओवर भी, मतलब वॉइस भी उन्होंने ही, उन्हीं का वॉइस, उन्हीं का पूरा, मतलब फुल वीडियो उनका है आज का। सो थैंक यू सो मच माय हस्बैंड कि आपने इतना बड़ा सपोर्ट किया, बहुत बड़ा सपोर्ट है ये मेरे लिए। तो चलिए व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड, मैं उन्होंने कर चुका है एंड, पर मैं इसलिए आई हूँ फिर से बात करने ताकि मैं बता सकूँ आप सभी को कि सरप्राइज यही था। मैं भी बहुत सरप्राइज रह गई थी, कि क्या ये वीडियो शूट कर रहे हैं इसी के वजह से। तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी सरप्राइज दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।